खबर रतलाम से आ रही है, जहां एक बड़ा हादसा हो गया। इसमें 7 लोगों की जान चली गई है। हादसा शहर से करीब 27 किलोमीटर दूर सात रुंडा चौराहे पर हुआ। बताया जा रहा है कि यहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे बैठे लोगों को टक्कर मार दी। 5 लोगों की मौत हो गई, बाद में 2 और लोगों ने दम तोड़ दिया। सड़क हादसे का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। इसमें दिख रहा है कि एक ट्रक तेज रफ्तार से आता है, पहले ट्रक 2 बाइक सवारों को टक्कर मारता है, फिर डिवाइडर की ओर बस का इंतजार कर रहे लोगों को रौंद कर आगे निकल जाता है। घटना की सूचना मिलने के बाद बिलपांग थाना पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज पहुंचाया है। 10 घायलों में से 2 गंभीर घायलों ने दम तोड़ दिया। 2 और गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। 8 घायलों को प्राइवेट और जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना रविवार शाम करीब 5 बजे की है। सातरुंडा चौराहे पर कुछ लोग सड़क किनारे बैठकर बस का इंतजार कर रहे थे, तभी हाईवे से गुजर रहा ट्रक अनियंत्रित हो गया और लोगों को रौंदते हुए निकल गया। रतलाम के कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि टायर फटने से ट्रक असंतुलित हुआ, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। घायलों का समुचित इलाज किया जा रहा है। इस हादसे में 1.5 साल का बच्चा कियांश और उसकी माँ राखी भी घायल हो गया। अफरा तफरी के दौरान 1.5 साल का मासूम घटनास्थल पर ही छूट गया था, जिसे स्थानीय भाजपा नेत्री पद्मा जायसवाल ने संभाला और बाद में उसे कलेक्टर और SP जिला अस्पताल रतलाम लेकर पहुंचे, जहां उसे बच्चे के पिता और दादी को सुपुर्द किया गया। प्रत्यक्षदर्शी और घायल पूजा का कहना है कि उनके परिवार के 7-8 लोग सतरुंडा माता जी के दर्शन करने आए थे। दर्शन करने के बाद वह सतरुंडा चौराहे पर बस का इंतजार कर रहे थे। इसी दौरान एक ट्रक अनियंत्रित होकर आया और टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कुछ भी समझ में नहीं आया। घायल विशाल चौरडिया ने बताया कि हम लोग वहां इंतजार कर रहे थे, मैं डिवाइडर के दूसरी तरफ था, तभी चीख पुकार मच गई। बस का इंतजार कर रहे लोग लहूलुहान हालत में सड़क पर नजर आए। प्रत्यक्षदर्शी जुझार सिंह राठौर ने बताया कि मैं पास में ही किराने की दुकान पर खड़ा था, 15 से 20 सवारी वहां खड़ी थी, तभी ट्रक सभी को रौंदते हुए आगे बढ़ गया। ऐसा लगा कि ट्रक ड्राइवर कंट्रोल नहीं कर पाया और बेकाबू होकर भीड़ पर चढ़ गया। कर रहे थे वहां खड़े खड़े, 2 मिनट हुए तो लगभग वहां खड़े हुए और अचानक से एक ट्रक आई और बस सबको कुचल दिया उसने। देखिए, ये जो आज की जो घटना थी, जैसा मैंने अनुरोध किया आपसे कि ये टायर जो है वो बस्ट हुआ था, जिसके कारण से डिसबैलेंस हुआ और इस तरह से ये घटना घटी है।